था, इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो एक ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ब्रिज एक बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो डिफॉल्ट कर गया बिकॉज उसके पास डॉलर नहीं थे और उसको तेल नहीं मंगवा सका, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हम ऐसे एक्सपीरियंस से, या हमारे लोग, या हमारी एलीट इन चीजों को नहीं सोच सकती, ये ना होगा। आप कहते हैं कि इनको पता सब कुछ है, सब पता है इनको। उसकी वजह चीमा साहब, आपका हर ब्यूरोक्रेट फॉरेन मास्टर डिग्री लेकर बैठा है, आपकी रूलिंग एलीट सारी ऑक्सफोर्ड की पढ़ी है। आपको जितने ये सेकंड थर्ड जनरेशन अंग्रेजों के जो एजेंट है, ये सारे अपने बच्चे यहाँ नहीं पढ़ाते, सारे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से, कैम्ब्रिज से, हार्वर्ड से, सब इनको तरीका सारा पता है कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है। लेकिन इन्होंने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग सीखी है, इनके अंदर नेशनलिज्म नहीं है। और भारत की तरक्कियों का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का टीका लगा दिया, और वो टीका ऐसा उनको मुआफिक आया, ऐसा सूट किया उनका, कि उनका डायस्पोरा भी जहां बैठा है वो अब भारत के गीत गाता जा रहा है। वो कहता है मोदी है तो मुमकिन है, उन्हें दे बिलीव इन इट, दे बिलीव इन इट। हमारा मसला ये है कि हमारा अभी तक जो है वो कोई हल नहीं निकला। अदालतें जो है, अब मुझे मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, आप कहते हैं कनेक्टिविटी और एशियन हम क्यों नहीं जा रहे। जब अदालतें डिफेंस अटर्नी के तौर पे जज बोले, जो जज जो है वो मुलजम को की सफाइयों में पेश पेश हो जाए अदालतों में, तो वहां पे उसका क्या हाल है। मैं अगले दिन प्रोसीडिंग देखता रहा हूं, और आपके जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज मुल्जम के हक में वकीलों को आगे से रोकते हैं और उनको दलायल देते हैं आगे से, नहीं ये भी गलत है, ये भी गलत है, फलां हुआ था, ये हुआ था, दलायल देते हैं आगे। हालांकि जो जज का रोल नहीं है दलायल देना, एज अ डिफेंस अटर्नी। तो दूसरी कौम का फिर आप क्या करते हैं। और दूसरा है, ये सबसे बड़ी बात ये है चीमा साहब, अगर भारत के साथ उनका कल्चर और मजहब जुड़ता है, ठीक है, आज ये कहा जाता है और वो सोच भी रहे हैं कि इसको भी यूज करें, तो पाकिस्तान और भारत का कल्चर और मजहब नहीं जुड़ता वहां पे। भारत के अंदर सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मलेशिया, इन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है भारत के अंदर। अगर आप चाहें तो आप रिलेशनशिप आप भी उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह श्रीलंका और भारत के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, आपकी भी अटैचमेंट उनके साथ, सदियों से आप भी इकट्ठे रहते थे उनके साथ। चाइना के साथ आपकी क्या कौन सी रिश्तेदारी है, अमेरिकन कौन आपके फूफीजाद हैं। आप इस वक्त दो ही मुल्कों के दरमियान डिवाइडेड है ना, या सीपैक है या आईएमएफ है, ये दो चीजें हैं। अगले बैलेट के ऊपर यही होना है इलेक्शन में, देखें कि सीपैक जीतेगा या आईएमएफ जीतेगी। लेकिन वाह आप भी अगर वाह, चाहें, आप भी चाहें तो मेरा मकसद है कोशिश कर सकते, लेकिन उसमें फिर बात यह कहीं तरक्की पाकिस्तान कर जाए। ये जो आपके जो डायस्पोरा है, ये जो आपका आपके इस वक्त फॉरेन एजुकेटेड आपकी एलीट है, जो आपको आप जिसने शिकंजे गाड़े हुए हैं, उनको खदशा है कि इस तरह करने से शायद पाकिस्तान तरक्की ना कर जाए। यही उनकी अवलीन तरजीह है इस वक्त, कि अपने बच्चे लंदन में पढ़ाने हैं और इनको जिहाद सिखाना है। देखें, जियाउल हक से लेकर आज तक आपने क्या सीखा, जिहाद। आपने बड़ी दुकान चलाई, दहशत गर्दी की, बहुत पैसा बनाया आपने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन खुदा रहा उन बस करो, दुनिया दुनिया समझ चुकी है आपको। प्लीज कम आउट ऑफ इट, प्लीज कम आउट ऑफ इट, थिंक अबाउट मैन्युफैक्चरिंग समथिंग। आज अच्छा, वहां पे श्रीलंकन बैठा है विक्रम सिंह है, आपके पास कौन आया, आपके पास यूक्रेन का फॉरेन मिनिस्टर आया, आपको वो कह रहा है जी ब्लैक सी ग्रेन हम से गंदम ले लें, एंड यू आर एन एग्रीकल्चर कंट्री। आप 2021 में आपने वन आपने चीमा साहब आपने 1 मिलियन टन, 1 मिलियन टन, बिल्कुल 1 मिलियन टन 2021 में आपने गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट की। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप एक एग्रीकल्चर कंट्री, और यूक्रेन क्या है, यूक्रेन इज द वन ऑफ द करप्ट करप्ट मोस्ट करप्ट कंट्री इन यूरोप। आप पता नहीं, जब भी जाते हैं आप किसी ऐसे मुल्क से डील करना पसंद करते हैं जो करप्शन में बिल्कुल, जो उनके कल्चर का हिस्सा। चाइना जाते हैं क्योंकि वो केक पैक इजीली दे जाते हैं, टर्की जाते हैं क्योंकि वो, यूक्रेन जाते हैं तो फिर वो करप्शन लेने जाते हैं।
आप किसी ईमानदार मुल्क के साथ कोई पार्टनरशिप करने की कोशिश करें या वहां से कोई इंपोर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन वो कोशिश नहीं करते। आप कोशिश क्यों करें? क्योंकि किकबैक मिलनी होती है दुबई में या लंदन में। मैं हर चीज, क्योंकि आपके भी कल्चर का हिस्सा है, आपके भी बोन मैरो में करप्शन जा चुकी है। और यूक्रेनियन भी बड़े मशहूर है दुबई में, आप जाए तो उनकी खवातीन वहां बहुत एंजॉय कर रही होती थी वहां पे। मैं देखे, मैं तो फिर जाता रहा हूँ। यूक्रेन किस चीज के लिए फेमस था? करप्शन, सारी सारी करप्शन, सारी स्कीम। आप दोबारा गन देने के चक्कर हैं, आप ग्रेन लेंगे, तड़का लगाएंगे, जो ऊपर ब्यूरोक्रेट जो बाहर से पढ़ के आए, जो मास्टर डिग्री लेके आए, वो अपने बच्चों को लंदन भेजेंगे और मिलकर सियासतदान। मैं हमेशा, तो मेरा ये तजर्बा है, एक बंदा मेरे पाकिस्तान में करप्शन नहीं कर सकता पूरी मशीनरी उसके साथ ना। उसमें सियासतदान भी होता है, ट्रेड भी होता है, उसमें हर चीज शामिल होती है, फिर मिलके खाते हैं। और यही एक ट्रेजेडी है, यही ट्रेजेडी है। अगर सीखने वाले के लिए लम्हा फिक्रिया है कि श्रीलंका से सीख ले, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है अभी तक। अभी तक मुझे उम्मीद थी अपने नए आर्मी चीफ साहब से, मैंने उनकी स्पीच भी सुनी एग्रीकल्चर के बारे में उन्होंने जो दी थी, मैं उनसे होपफुल हूँ, लेकिन स्पीड उनकी बड़ी स्लो है, स्पीड बहुत। टाइम हाथ बिल्कुल से सही कह निकलता रहे जा डॉक्टर रहा साहब, ये जो है के आपने, लिए। ये सही बात आपने की है कि नमस्कार, स्पीड स्पीड बड़ी स्लो है। स्पीच तो अच्छी थी, पैशन भी है, सारा कुछ करना चाहते हैं, आगे केयर टेकर सेटअप जो है वो भी वो आ रहा है, वो तो अब सारी बात है, आइंदा आने वाले दिनों में पता चलेगा। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन भी है कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है वो दुनिया में वर्स्ट चौथे नंबर पे आया है, यानी कि हमारे पासपोर्ट पे जब हम दुनिया में कहीं जाते हैं तो 33 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, जबकि सीरिया जहाँ पे 10 साल से जंग लगी है वो 30 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है, इराक 29 मुल्कों में, अफगानिस्तान के पासपोर्ट जिसको दुनिया में रिकग्नाइज नहीं किया जाता 29 मुल्कों में वीज़ा फ्री एक्सेस है। तो ताड़ साहब आप जो अक्सर बात करते हैं हम अफगानिस्तान इराक, ये तो हम तो उसी कैटेगरी में दुनिया में जो ले रही है हमारे पासपोर्ट की तो ये वैल्यू रह गई है, तो इसमें ये वो जो आप बात करते हैं कि मोदी साहब ने तो इंडिया में नेशनलिज्म कर दी, इंडियन पासपोर्ट थी आप 57 मुल्कों में जा सकते हैं, तो हमारे अंदर वो नेशनलिज्म आ सकती है कि अगर मोदी साहब ने 10 सालों में चीज़ों को रिवाइव कर दिया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये जो इलेक्शन होने वाले हैं ये अगले 10 साल चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, क्योंकि इमरान खान का तजर्बा नाकाम हो गया, अब दोबारा तो ऐसे तजर्बे की कोई उम्मीद नहीं है, सो आपको लगता है कि हम अगले 10 साल में लाइन लेंथ में आ जाएंगे और हमारे पासपोर्ट की भी कदर बढ़ जाएगी तार साहब? पासपोर्ट के हवाले से मैं अर्ज करना चाहूंगा, भारत की जो आपने बात की है, मोदी जी अमेरिका आए थे तो यहाँ भी उन्होंने आके अमेरिकन प्रेसिडेंट के टेबल पर रखा था कि इस वक्त भारतीय H1 वीजों वालों को क्या इश्यूज है और उन इश्यूज को सॉल्व किया जाए। डायस्पोरा को उन्होंने अपने को यहाँ भी प्रमोट किया। फ्रांस में गए तो उन्होंने कहा है जी कि वो यहाँ आप हमारे मास्टर डिग्री करता है जब एक स्टूडेंट, तो उसको 2 साल के लिए आप देते हैं वीजा काम करने है, उसको 5 साल दें। आपने कभी सुना है आपने किसी वजीर आजम के मुंह से यहाँ आके कोई इस तरह की बात करते हुए? चले उसको छोड़ें, आपको मेरे ख्याल में पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में आपके पासपोर्ट देने बंद कर देने चाहिए, क्योंकि आपके लोग तो किश्तियों में ट्रेवल कर रहे हैं। नहीं बाकी चीज मसला, जब सही कह किश्तियों में रहे ट्रेवल, डंकियां जो कहते हैं डंकी लगाई है, जब आपका डायस्पोरा डंकियों पर जाएगा पासपोर्ट की क्या जरूरत है? एम्बेसियों का कोई फंक्शन मुझे बता दें, हर एम्बेसी के अंदर जो है, मैं बता, मेरा ख्याल है तारड़ साहब से रबता मुनक़ता हो गया, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे रबता जो है वो जुड़ जाए और वो दोबारा हमें वहीं से ज्वाइन कर लें जहाँ से वो बात कर रहे थे। मेरा ख्याल है तारड़ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो वो फिर
जी ताहिर साहब शुरू करें, आप बात करें। मैं वो बात यही कर रहा था कि पासपोर्ट के सिर्फ हालात अगर नहीं है, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान भी देखें जिस तरह बांग्लादेश ने तरक्की की थी, बहुत ज्यादा आपसे हटा था, तो इस वक्त अफगानिस्तान भी हट गया, आपसे दूर हट गया, आपको वो समझ चुके हैं, वो कतर और दूसरे ममालिक के साथ यू आर नॉट इवन देन इन द गेम, आप उनकी आप स्पीड डायल पे नहीं है, पाकिस्तान इज नॉट ऑन स्पीड डायल ऑफ अफगानिस्तान, वो भी तरक्की कर जाएगा, वो किस तरह एक तो डॉलर सारे आपके वो सक कर लिए उन्होंने, और आपकी मर्जी से, आपकी एजेंसियों की मर्जी से डॉलर गए हैं वहां, आपके आपकी हुकूमत की मर्जी से डॉलर गए हैं। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, इस कंट्री आप जहां रहते हैं चीमा साहब बैठे, वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती किसी एजेंसी की मर्जी के बगैर, ये डॉलर भी गए हैं, कमीशन देकर गए हैं, सबसे पैसा देकर गए हैं, किस खूबसूरती से उन्होंने डॉलर साक की, आपको घुटनों के बल फेंका उन्होंने, वो भी तरक्की कर जाएंगे, लेकिन आप तरक्की नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके आपके इस वक्त जो रूलिंग एलीट है उनमें पाकिस्तानी कोई नहीं है, पाकिस्तान को पाकिस्तान ही बचा सकता है ना, पाकिस्तान के लिए पॉलिसी पाकिस्तान ही बना सकता है, इस वक्त आपके जो फैसले करने वाले वो सारे बाहर के हैं, वो सारे बाहर के, वो मुलाजमीन है IMF के, वर्ल्ड बैंक के मुलाजमीन है, और दूसरे डुअल सिटीजन है, और तीसरे उनके बच्चे बाहर बैठे हैं, खर्चे उनके पूरे नहीं हो रहे, आपका कोई पाकिस्तानी, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, पता नहीं हमारा ये कोई वीला कोई अदारा इस तरह का सुनता है, मैं मेहनत करूंगा खुदा रखे ये केयर टेकर सेटअप में भी कोई पाकिस्तानी बंदा लेकर आए जिसके पाकिस्तानी पाकिस्तान में बच्चे पढ़ रहे हो, खुदा का नाम, मैं मेहनत करना थोड़ी, वरना ये जो जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं वो क्यों फैसले आपके बारे में करेंगे, वो लंदन से आए हैं, वो लंदन चले जाएंगे वापस, कपड़े अपने साथ लेकर आते हैं लंदन से, छोटे से ब्रीफ केस ना होते, अटैचिंग के साथ टीटियां हो जाते यारियां लग गए, लेकिन मतलब बात क्या है, चीफ साहब यही एक है, आपको सारे पता नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, इस्लाम के बारे में, इस्लामी काम के बारे में पता नहीं, पता इस्लाम के रिचुअल में फंसे, इस्लाम की वैल्यू में आपको फिलोसफी ऑफ इस्लाम से बहुत दूर है, यही प्रॉब्लम है सारे आपके, जो भारत वाली साइड है वो मोदी साहब ने जगा दिया सारा कुछ आके, उधर उन्होंने पहली दफा इस, मैं समझता हूँ वो जो उनको कटस्ट कहते ना फार राइट की उनकी थी, RSS लेकर आए हैं, एंड हु इज द मेजोरिटी पॉपुलेशन इन इंडिया, दे आर हिंदूज एंड दे आर नेशनलिस्ट नाउ, यू कैन नॉट ब्लेम देम, इट्स गुड फॉर देम, लेकिन आप कॉपी करें उनको, देखें, मैं ये नहीं कहता कि मोदी साहब को यहाँ, मैं अगले दिन क्या कहता कि मोदी साहब को उस जगह सदर मिले, मोदी साहब तो नहीं यहाँ आ सकते ना फिजिकली, मोदी साहब से मुराद मेरा ये था कोई नेशनलिस्ट ले आए, चाय वाला खुदा दा ना हो पाकिस्तानी, होवे पाकिस्तानी, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ना हो, ये मैं हाथ बनना तुझे ऑक्सफोर्ड पर करो, ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड ही ले जाते हैं डॉलर सारे, तो ये चीमा साहब गेम सारी पता है इनको, लेकिन अब वो पता नहीं 20-25 करोड़ लोग हैं, पता नहीं वो मां कब पैदा करेगी कोई इस तरह का मर्द जो कहेगा कि मैं पाकिस्तान बचाता हूँ, वरना लीडर ही बचाते हैं, जब सोसाइटी में जब कंट्रीज या कौमें नीचे जाती हैं तो लीडर होते हैं, पता नहीं वो लीडर कहाँ से आएगा, आज एक खबर, चीमा साहब एक छोटी बात शेयर करना चाहूंगा, कल फैसल वाडा साहब ने कहा कि उस्मान बुल्दार जब हमारे अमीरुल मोमिनीन बैठते थे और साथ उनके घर वाले बैठते थे, जमीन पर बैठते थे, वाह भाई वाह, और साथ साथ मुझे याद आ गई, इस गुलामी से मौत अच्छी, तो वो पैरां च पाया सा, वो पैरां च पांदा सी, ये फैसल वाडा साहब ने आपके नेशनल टीवी पे कहा है कि उस्मान बुज़दार पैरों में बैठता था, और आज 50 करोड़ लोग अंधे हैं उसके लिए, कहते फिर ले उन वापस, फिर ले एक बार ही होता बस, क्या किया, सर आप कोई बात करने लगे थे पासपोर्ट की, हम बात कर रहे थे तो आप एम्बेसियों की बात कर रहे थे, कि जो कह रहे थे हमारी एम्बेसियां, पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं, बात याद आ रही, लेकिन वो हम बात हमने शुरू की थी पासपोर्ट की, कि हमारे जो पासपोर्ट की इज्जत होगी दोबारा के नहीं होगी, तो आपको शायद जिक्र कर रहे थे, आपके जहन में पता नहीं है अभी, मैं यही कह रहा था ना कि हमारे एम्बेसियों के स्टाफ है ज्यादातर, खासकर जो अच्छे मुमालिक में जाते हैं वो वजीरों के साले जाते हैं ना सारे वहां पे, तो वो क्यों आपके पासपोर्ट की रिस्पेक्ट के लिए काम करेंगे, और दूसरी बात है कि एम्बेसी एम्बेसडर कर भी कह सकता है जो पीछे फैक्ट्री खराब हो गई, जिस फैक्ट्री वाले से बन के हम सारे आए हैं, उस फैक्ट्री के अंदर तो फिर आपको पता ही है जो जिस तरह का मटेरियल हमारा है, हमारा DNA जिस तरह का है, हम जिस तरह की हमारी इकदार है, जिस तरह की सोच क्या है,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਰ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਹਮੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਲੈਗਸੀ ਕਾ, ਨਾ ਹਮੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਾ, ਨਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦੀ, ਬਲਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਡਰਪੋਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਟਰਮਸ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਮੈਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਉਮੀਦ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਆਮ ਵੈਰੀ ਪੇਨਫੁਲ ਫਾਰ ਮਾਈ ਮਦਰਲੈਂਡ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਏ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਸੇ, ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵਨ ਇਨ 25 ਕਰੋੜ ਮੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇ ਹੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਲੋਲੀ ਗ੍ਰੈਜੁਅਲੀ ਵੀ ਆਰ ਸਿੰਕਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਮੈਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੇ ਸੋਚਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੋ ਰੋਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਜਿਸਕੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ECL ਕੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਨੈਬ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਉੱਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਏ ਦੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਨ ਲੋਕੋ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਕੇ ਅਰਬੋਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਏ, ਉਨਕੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ताड़ साहब, ये आपने सही बड़ा अच्छा मशवरा दिया है कि ये जो नैब में लोग आए थे अकाउंटेबिलिटी करने, वो तो सारे खुद करप्ट हो चुके हुए हैं, तो वो सारे दोबारा भर्ती होने चाहिए, इनको फारग करें, इनको गोल्डन हैंड चेक दे के निकालें और पूरी की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करें, ताकि ये ना हो कि हर बंदा जो आ रहा है वो नैब को इस्तेमाल कर रहा है और चीज़ें। ताड़ साहब, वो इमरान खान साहब के जो वो होते थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे आज़म खान साहब, उन्होंने सारा कुछ कच्चा चटा खोल दिया कि ये इमरान खान साहब तो झूठ बोल रहे थे, वो तो साइफर था ही कोई नहीं और इस तरह की बातें, और 190 मिलियन पाउंड। आपको लगता है कि वो वादा माफ गुआ बन गए, इमरान खान साहब तो फारग हो गए, और कहा जाता है कि वो जो आज़म खान साहब थे वो ही असल वजीर आज़म थे और इमरान खान उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करते थे, और इमरान खान ने कहा है कि मुझे आज़म खान बड़ा ईमानदार आदमी है, मुझे उस पर बड़ा यकीन है, उसने जब तक मैं अपने कानों से सुन ना लूँ और आँखों से देख ना लूँ, मेरा नहीं ख्याल उसने बातें की होंगी, लेकिन वो तो कहते हैं 164 का बयान दे के फारग हो गया है। तो आपको लगता है कि खान साहब को एक तो सजा तो खैर होनी होनी है, लेकिन ये जो पकड़ तकड़ की बात है, केटेक सेटअप में कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को पकड़ा जाएगा, आप कैसे देखते हैं ये आजम खान वाला और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और जेल? देखिए खान साहब, आजम खान जो है उन्होंने स्टेटमेंट तो दी, इसमें कोई शक नहीं है, 164 के, 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 के तहत उन्होंने दी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा 164 के तहत जो है डार साहब ने भी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए स्टेटमेंट दी थी मनी लॉन्ड्रिंग की और करप्शन की, लेकिन वो कहाँ तक स्टैंड करती है अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज उन्होंने नैब के ऑफिस, पिंडी नैब के ऑफिस में भी गए आजम खान साहब, और आजम खान साहब ने कई चीजें बताई है, इसमें कोई शक नहीं है, और ज्यादा नजर जो है खासकर उन्होंने जो आपका तोशाखाना का केस था वो शहजाद साहब पे डाल दिया है, उन्होंने कहा कि शहजाद साहब यही करने वाले थे, मैं तो इसमें भी नहीं था, और दूसरा जो पहला केस है सफर के हवाले से भी काफी, दोनों केस वैसे अगर देखा जाए इसमें खान साहब के फंसने के चांस ज्यादा है, लेकिन ये कि फंसेंगे तो तब ना कोई किसी की विल मौजूद होगी, तो वरना फिर उस मुल्क के अंदर आपको पता ही है कि किस तरीके से बंद बैंकों के हाथ के बनी हुई रसीदों पे सादिक अमीन के सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं, तो वो इस तरह ही है। और दूसरा जिस तरह आप बताते हैं, दो चीजें हैं, लोग ये समझते हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट के तब से अरेस्ट होंगे, और दूसरा जब तक हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो अपने घर नहीं जाते तब तक अरेस्ट नहीं होंगे, या इस तरह की कई मफरूजे इस वक्त बातें उड़ रही हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की बेहतरी किसी चीज में नहीं है, क्योंकि सजा जजा का जब तक आप पूरा एक प्रोसेस नहीं करेंगे, चीमा साहब मैं जब लॉ स्कूल में गया था तो जब वो जूरिस प्रूडेंस पढ़ाई जाती है, सजा के बारे में ये होता है सजा इतनी इबरतनाक होनी चाहिए कि दोबारा उसको कोई दूसरा इंसान, कोई दूसरा शहरी डेट का उस रिपीट करने की कोशिश न करे, इतनी सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन यही हमारी इशू है कि हमारी सजा नहीं होती। एक बंदे ने 27 साल एक तहरीके इंसाफ बनाई और फिर उसका 27 साल ही चेयरमैन रहा उसका खुद ही, और फिर उस्मान बुजदार और गोगियां पैदा हो गए, तो जब वो तहरीके इंसाफ फेल हो गई 27 साल बाद, तो वहां इंसाफ के क्या हालात हो।
जजेस, मैंने आपको बताया कि वो जब बोलते हैं तो लगता है डिफेंस अटर्नी है, अपने मुलजम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या है, आप किस तरह प्रोटेक्ट करें? उसके बाद मैं वैसे फौजी अदालतों के खिलाफ हूं, लेकिन अगर असली अदालतें फेल हो जाए तो चॉइस क्या है आपके पास? चॉइस कोई नहीं। अदालतें जब 16 मिनट में 16 जमानतें दे दें, अदालतें कह दें कि मर्सिडीज में लाया जाए, अदालतें जब ये कह दें कि मुस्तकबिल में अगर कोई मर्डर करे तो उसमें भी जमानत रह जाओ, तो ये फिर अदालतें नहीं, तो फिर वहां मिलिट्री कोर्ट। मैं कहता हूँ वहां मिलिट्री कोर्ट घंटे में डिसीजन करें वो। ये जो तहकीक तो रिसर्च, ये सब ड्रामाबाजी है, बंद करो। जो मुंडे लौंडे लपाड़े उसे के मुबारक है, मुबारक को मैंने मुड़ा भुलते ही नहीं, दुरानी की नाज उसको कहे तो कोर कमांडर, और उस कोर कमांडर के घर में घुसा हुआ था जो लाहौर के बॉर्डर के ऊपर, जो भारत के साथ जो हमारी सारी फौज बैठी उसका इंचार्ज है, और उसके घर में घुस के वो कह रहे मुबारक मुबारक इनकलाब आ गया। और अमीरुल मोमिनीन दा पांजा सी, उसने पैंट उठाई भी थी कोर कमांडर की, और दूजा एक और शैतान सी, उन्हें पूरा यूनिफॉर्म पा लिया, और फिर खान साहब कहते हैं ये हमारे नहीं, और भांजा आपका था भाई, कहते ये तो हमारे लोग एजेंसियों के लोग थे, भांजा आपके किसी एजेंसी में काम करता है? और न्याजी वकील जो तो भांजा है वो एजेंसी का बंदा, वो कोर कमांडर के घर में नहीं था, वो बाहर बाहर डॉक्टर नहीं बैठी हुई थी गाड़ी में, वो राशिदा क्या नाम उसका, वो बैठी थी बाहर, खतीजा एजेंसी की औरत है, वो एजेंसी की लड़की। खान साहब के पास जो बेचते हैं बिक जाता है, चल जाता है, पीरो मुर्शद है ना जी, मुर्शद बादशाह का क्या है, पैरों सट्टे होता है उस्मान बुजदार। वो आजकल उन्होंने कहा कि वो टिकटॉक पे इमरान खान साहब के 4.5 करोड़ फॉलोअर हो गए एक दिन में ही, तो वो कह रहे हैं इतना मशहूर बंदा है पाकिस्तान में तो इसको तो वजीर आजम होना चाहिए। तार साहब, ये टिकटॉक पे जो मशहूरी है ये बेंचमार्क होना चाहिए आपको लगता है कि वजीर आजम होने का, कि मतलब एक दिन में 4.5 करोड़ फॉलोअर हो गए टिकटॉक पे तो ये वजीर आजम बंदा, पॉपुलर बंदा, ये भी हमारे लोग कहते हैं क्योंकि वो टिकटॉक पे मशहूर है लिहाजा वो वजीर आजम होना चाहिए। मेरा ये सवाल ये है, मैं तो चलो इसको कंपेयर इस तरह कर देता हूँ कि मेरा पीरो मुर्शद अरवद देता है, अपने आप को मिलाता है कि बर्तानिया में ये हो गया, बराक ओबामा की